बुंडू के पंचगरना इलाके का सबसे ज्यादा लोकप्रिय पर्व है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दूसरे दिन के बाद से ही क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर एक महीने तक टुसू मेला हर एक साल आयोजित किया जाता है। इस सिलसिले में बुंडू के सूर्य मंदिर परिसर में हर एक साल 25 जनवरी को टुसू मेला आयोजित होता है। लोग कई महीनों पहले से ही इस मेले का इंतजार करते हैं, लेकिन इस साल 25 जनवरी को सूर्य मंदिर में मेला नहीं लगेगा। इस बात की जानकारी बुंडू SDM ने दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर राज्य सरकार की तरफ से सभी तरह के मेले के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं कोरोना नियमों के पालन के निर्देश के बाद स्थानीय प्रशासन ने सूर्य मंदिर में मेला न लगाने का निर्देश जारी किया है। मोतिहारी के डुमरिया घाट में 15 जनवरी को हुए 600 बोरा चीनी लूटपाट में शामिल 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चकिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि ट्रांसपोर्ट संतोष कुमार सिंह सहित 6 लोगों ने 600 बोरा चीनी चोरी कर डुमरिया घाट थाना निवासी राजू पाठक के स्कूल ले गए। वहां से चीनी को अलग अलग बेचने के लिए ले जाया गया। गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई है, जिसमें मुख्य आरोपी ट्रांसपोर्ट सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 240 बोरा चीनी, 60,000 रुपए नगद और विभिन्न कंपनियों के 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी शुरू कर दी है। बक्सर में खनन माफिया JCB पोकलेन से गंगा खनन कर रहे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि नदी में दिन रात धरल्ले से अवैध खनन हो रहा, जिला प्रशासन भी पता है लेकिन वो कार्रवाई नहीं करती है। ग्रामीण सूत्रों के मुताबिक बक्सर घाट प्रखंड अर्जुनपुर और खुंटाहा पंचायत इलाके में मंझरिया नवोब्रार और उमरपुर दियारा इलाके में अवैध बालू खनन का कारोबार हो रहा है। बक्सर के SP नीरज कुमार सिंह ने बताया कि जब लाल और सफेद बालू कारोबार पर बात की गई तो बड़े ही सफाई से पुलिस विभाग का पक्ष रखते हुए खनन विभाग के अधीन मामला बताते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाने लगे। पूर्वी सिंहभूम जिले में इन दिनों हाथियों का तांडव लगातार जारी है। 45 हाथियों का झुंड पूरे इलाके में भ्रमण कर रहा है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जंगल से निकले हुए ये सैकड़ों हाथी सैकड़ों एकड़ में लगी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। वहीं अब इन हाथियों के झुंड को कोकपारा रेलवे स्टेशन को अपने कब्जे में कर लिया। 45 हाथी स्टेशन पर जमे हुए हैं, जिसके कारण स्टेशन में काम करने वाले कर्मचारी स्टेशन छोड़कर फरार हो गए। रांची में फर्जी पुलिस वन ट्रकों से लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। ग्रामीण SP ने कहा कि मैकलू एसकीगंज पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का एक आरोपी फरार हो गया। कोयले लदे वाहन से लूटपाट के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी तब हुई जब लूटपाट के बाद ट्रक के ड्राइवर और खलासी की ओर से मैकलू एसकीगंज गश्ती गाड़ी देखकर उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और कार सवार 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक फरार होने में सफल रहा। अररिया के फारबिसगंज में 8 दिन पहले से गायब 26 वर्षीय गर्भवती महिला का शव मटियारी नहर में शव मिला है। महिला अमराहा निवासी मोहम्मद राजा की पत्नी हमीदा खातून थी। वो 2 बच्चे की मां थी। 12 जनवरी की रात से ही महिला गायब थी। मृतका के पिता और नेपाल के इनरवा स्थित दौरैया निवासी गुल मोहम्मद खान ने बेटी के अपहरण और हत्या की आशंका जताते हुए स्थानीय थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस संबंध में मृतका के पिता गुल मोहम्मद ने बेटी हमीदा के साथ ससुराल वाले द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पति सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। परिजनों ने बताया कि राजा ने अपने बच्चों की पिटाई की, इसका हमीदा ने विरोध किया तो पति और परिजनों ने मिलकर उसे गायब कर दिया। बेगूसराय में शराबबंदी के बीच कंटेनर में तहखाना बनाकर छुपाकर लाई गई भारी मात्रा में शराब को उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि तहखाना बनाकर हरियाणा नंबर की कंटेंट से शराब की बड़ी खेप लाई गई है, जो सिंधौल थाना क्षेत्र के सिंधौल के पास NH 31 पर है। इस सूचना पर पुलिस ने छापेमारी सिंधौल से हरियाणा नंबर की कंटेनर को जब्त किया है। पुलिस ने कंटेनर के आगे बने तहखाने को खोलकर करीब 300 कार्टून विदेशी शराब बरामद की। इस दौरान पुलिस ने कंटेनर से 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की जा रही है। उत्पाद निरीक्षक दुर्गेश कुमार ने बताया कि कंटेनर हरियाणा नंबर की है, जिसमें 300 कार्टून शराब बरामद की गई। 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पटना के राजीव नगर रोड नंबर 16 में
सुहागन ज्वेलर्स के मालिक को गोली मारने का लाइव वीडियो सामने आया, जिसमें दो की संख्या में पहुंचे बदमाश दुकान में घुसते हैं और दुकानदार को गोली मारकर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए कुख्यात पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि बुधवार को दुकान में घुसकर अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान के मालिक को गोली मार दी थी। गंभीर हालत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बगहा में स्वास्थ्य विभाग के कड़े निर्देश के बाद भी सरकारी अस्पतालों में कुव्यवस्था कम नहीं हो रहा है। हरनाटार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नए चिकित्सक पदाधिकारी ने योगदान के बाद अस्पताल में हो रही लापरवाही की पोल खोल दी है। अस्पताल में 6 महीने से एक्सरे बंद है। दांत के डॉक्टर और उपकरण अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन आज तक इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। यही नहीं, डॉक्टर योगदान के बाद आज तक अस्पताल में दिखे भी नहीं। कागजों पर उन्हें जनरेटर चल रहा है। योगदान के बाद प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी ने अस्पताल का निरीक्षण किया, वो खुद तंग रह गए। मधुबनी में फूल पसार थाना क्षेत्र के खोपा चौक के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। मृत युवकों की पहचान सागर कुमार झा और दीपक कुमार भंडारी के रूप में की गई है, जो बिशुनपुर गांव के निवासी थे। दोनों ट्यूशन पढ़ने झंझारपुर जा रहे थे। घना कोहरा होने की वजह से आगे कुछ नहीं दिखा और अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। खगड़िया में मुफस्सिल थाना इलाके के कुम्हार चक्की गांव में दिन दहाड़े बदमाश ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे विकास कुमार नामक युवक जख्मी हो गया। घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक घायल विकास खतरे के बाहर है। इन सब के बीच मुफस्सिल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक अरुण यादव को एक देसी कट्टा और 5 चक्र गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने कहा कि आरोपी की पत्नी से विकास के भाई का अवैध संबंध है, जिस आक्रोश में अरुण ने विकास को गोली मारी। विकास कार्यों में बेहतर करने के मामले में पटना से भी आगे खगड़िया जिला है। नीति आयोग की तरफ से चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत खगड़िया जिले को विकास के सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए प्रथम स्थान दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से खगड़िया जिले को 10 करोड़ की राशि दी जाएगी। नीति आयोग ने इसको लेकर बिहार मुख्य सचिव आमिर सुभानी को पत्र लिखकर जानकारी दी। आपको बता दें कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। इसमें देश के 112 और बिहार के 13 जिलों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल संरक्षण, कौशल विकास, वित्तीय समावेशी समेत 49 मानकों को शामिल किया गया था, जिसमें खगड़िया शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, कौशल विकास, कृषि के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अमिताभ कांत ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि नवंबर 2021 के प्रदर्शन के आधार पर जिले की रैंकिंग की गई है। इसको लेकर नीति आयोग ने जिले की टीम की प्रशंसा की। इधर जिले के डीएम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास से ही ये संभव हुआ है, हमें और बेहतर करने की जरूरत है। गया जिले के मोरहा प्रखंड के मालती गांव में दम घुटने से 4 की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालती गांव निवासी 35 वर्षीय विभा देवी, पुत्री 10 वर्षीय सिमरन कुमारी, 8 वर्षीय पुत्र आर्यन कुमार और 4 वर्षीय अंकिता कुमारी की मौत हुई है। ग्रामीणों के अनुसार चारों की मौत दम घुटने से हुई है। ठंड से बचने के लिए सभी लोग रात्रि में कमरे में बोरसी जलाकर सोए हुए थे। बोरसी से उठने वाले धुएं से दम घुटने के कारण चारों की मौत हो गई। घटना को लेकर पूरे गांव में मातम का माहौल है। आज अहले सुबह जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो ग्रामीणों को शक हुआ, जिसके बाद लोगों ने जबरन दरवाजा खुला तो पाया कि चारों की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पूरे देश में इन दिनों सूर्य नमस्कार कार्यक्रम चल रहा है। इसी के तहत राजधानी रांची में सत्यानंद योग संस्थान की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में 51,000 से अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल होकर एक मिसाल कायम की। कार्यक्रम के संयोजक स्वामी मुक्त रथ ने बताया कि डीएवी संस्थान के अलावा रांची के दूसरे कई जगहों पर भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं योग संस्थान के शिक्षक एमके सिन्हा ने बताया कि देश भर के सभी डीएवी संस्थानों में रोजाना सुबह 20 मिनट सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
देवघर के पारा शिक्षकों में खुशी का माहौल है। दरअसल झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा देते हुए वेतन बढ़ोतरी की है, जिसे लेकर देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड के प्रखंड शिक्षक ने संघ की अध्यक्षता में बीआरसी दफ्तर में शिक्षकों के बीच लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में पारा शिक्षक अपनी वेतन वृद्धि, सहायक शिक्षक का दर्जा लेने के लिए आंदोलनरत थे। राज्य की वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ने शिक्षकों को सहायक शिक्षकों का दर्जा और वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसको लेकर पारा शिक्षकों में खुशी देखी जा रही। वहीं मौजूद सभी शिक्षकों ने वर्तमान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के कामों की सराहना की और जगन्नाथ महतो के समर्थन में नारे लगाए। बेगूसराय में अपनी मांगों को लेकर 102 एम्बुलेंस कर्मचारी और चालकों ने सदर अस्पताल से जुलूस निकालकर समर नाले तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 5 वर्षों से सभी कर्मचारी पीटीटी और सामान्य फाउंडेशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान उनके मानदेय से काटे गए पीएफ का भुगतान अब तक नहीं किया गया। वही कर्मचारियों का आरोप है कि लगातार काम करने के बावजूद समय से वेतनमान भी नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा निर्धारित 400 की जगह कंपनी की तरफ से इन्हें 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। दूसरी ओर कर्मचारियों का आरोप है कि कोरोना काल में सबसे अधिक एम्बुलेंस कर्मियों ने ही बढ़ चढ़ कर काम किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन्हें ना तो कभी सैनिटाइजर, मास्क या फिर पीपीई किट मुहैया कराया गया। गिरिडीह जिले में लोहा पिघलाकर छड़ बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। इस घटना में फैक्ट्री में काम करने वाले 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री की गर्म तेल वाली टंकी में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से काम कर रहे 3 मजदूर झुलस गए। इन सभी झुलसे हुए मजदूरों को घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है।